जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। आज के वीडियो में आपको काल सर्प के दूसरे दोष यानी कुलिक्स काल सर्प युग के बारे में बताने जा रहा हूं। तो ज्योतिषों की माने तो काल सर्प दोष लगने पर कई प्रकार के जीवन में परेशानियां आती है। चूंकि केपी की वाणी पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है, तो आपको बता दें कि कुलिक काल सर्प दोष लगने पर प्यार में धोखा मिलता है, वैवाहिक जीवन में उथल पुथल होता है, कई जातकों के विवाह में भी देर होती है। तो इसी संदर्भ में आज मैं आपको इस वीडियो में कुलिक काल सर्पदोष के लक्षण, असर, उपाय व निवारण संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चनें आ रही हैं, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, तो अब आप केपी की वाणी से अपनी कुंडली बनवा सकते हैं और शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क दी जाती है और मामूली शुल्क में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह तमाम तरह की जानकारी आपको हिंदी में विस्तार पूर्वक दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर अगर जल्दबाजी में निकल गया है तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और कमेंट बॉक्स में आराम से नंबर नोट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। तो काल सर्प दोष के बारे में आपको बता देता हूं। तो विवाह में बाधा कई दोषों के चलते आती है, उनमें एक दोष काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष लगने पर विवाह की अधिकतम जो उम्र सीमा है वो 42 वर्ष हो जाती है, यानी 42 वर्ष के बाद ही जीवन में सकारात्मक संकेत मिलते हैं, अन्यथा आपको जीवन में सभी प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो जब जन्म कुंडली के किसी भी भाव में राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह उपस्थित हो जाए या सभी ग्रहों का जो है प्रभाव शून्य हो जाए, क्षीण हो जाए राहु केतु के मध्य आने पर, तो काल सर्प दोष लगता है। इस स्थिति में जातक के जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो से दुर्भाग्यपूर्ण लगते हैं। जातक की नौकरी स्थिर न होना, व्यवसाय में मेहनत के बाद भी नुकसान होना, वैवाहिक जीवन में परेशानी आना, रिश्ते में धोखा मिलना, विवाह के संयोग में देरी होना, संतान सुख से वंचित होना, परिवार में कलह, ऐसे कई भीषण दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। काल सर्प दोष योग जातक की कुंडली में तब प्रकट होता है जब सूर्य मंडल के सातों ग्रह राहु एवं केतु के बीच में आ जाते हैं। काल सर्प कुल 12 प्रकार के होते हैं, उनमें दूसरा जो है वो कुलिक काल सर्प दोष है। तो कुलिक काल सर्प दोष जब राहु दूसरे घर में स्थित हो और केतु अष्टम भाव में स्थित हो तो फिर कुलिक काल सर्प दोष लगता है। इससे व्यक्ति के जीवन में क्या क्या परेशानी आती है उसके बारे में बता देता हूं। तो अपार मेहनत के पश्चात भी आपको असफलताएं मिलेगी, बड़े बड़े आर्थिक नुकसान देखने को मिल सकते हैं, आर्थिक तंगी के कारण तनाव में रह सकते हैं, रिश्ते में आपको धोखा मिल सकता है, यानी कि प्यार में आपको धोखा मिल सकता है। लव मैरिज की अगर आप उम्मीद लगाए बैठे हैं तो लव मैरिज में आपको धोखा ही मिलेगा। समाज में निंदा सहना पड़ता है, शारीरिक व मानसिक तनाव भी जातक को मिलता है, विवाह में रुकावट व वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती है। तो यह तो काल सर्प दोष के लक्षण है, आइए अब उपाय बता देता हूं। तो मंगलवार को सवारत्ती का प्राण प्रतिष्ठा त्रिकोणीय मुंगा यंत्र तांबे के साथ दाहिने हाथ की मध्यम उंगली में धारण करें। शनिवार को हनुमान जी की मूर्ति के सामने सरसों के तेल से दिया जलाएं। मंगलवार को एक तांबे का खुला ब्रेसलेट दाहिने हाथ में धारण करें। शनिवार को राहु यंत्र धारण करें और राहु मंत्र का पाठ करें, उच्चारण करें।
क्या ना करें? तो बीड़ी, सिगरेट, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। दिन में ना सोए व आलस से दूर रहे। पड़ोसियों व दोस्तों मित्रों से सावधानी बरतें। आइए अब मैं आपको निवारण बता देता हूं। तो काल सर्प दोष निवारण त्र्यंबकेश्वर और महाकालेश्वर में कराई जाती है, तो आप उन जगहों पर जाकर काल सर्प दोष का निवारण करा सकते हैं। आप चाहे तो केपी कीवानी से संपर्क कर भी केपी कीवानी के माध्यम से काल सर्प दोष का निवारण करा सकते हैं। इसके लिए आप फोन कर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि काल सर्प दोष निवारण की फीस क्या है। तो नंबर आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। हम लोग महाकालेश्वर में आपकी काल सर्प दोष की पूजा कराएंगे और आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, सजीव चित्रण के जरिए आपकी पूजा कराई जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कुलिक काल सर्प योग के बारे में बताया है। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल के कार्यक्रम पसंद आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वहीं ऐसे जातक जो जन्मदिन से यह जानकारी क्या करना चाहते हैं कि उनकी शादी कब तक हो सकती है, किस उम्र में हो सकती है, तो अब आप केपी कीवानी के व्हाट्सएप पर अपना जन्मदिन भेजें। अगर आपकी आयु 25 वर्ष से कम है तो आपको यह जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। वहीं ऐसे जातक जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप केपी कीवानी पर कुंडली दिखवाएं और कुंडली बनवा कर जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। वहीं अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, तो आप केपी कीवानी पर अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन अवश्य भेजे। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, तो आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन अवश्य भेजे। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपने स्थानीय पंडित से संपर्क कर कुंडली मिलान अवश्य करा ले या केपी कीवानी से संपर्क कर सकते हैं। केपी कीवानी पर आपको मामूली शुल्क पर कुंडली मिलान कर पूर्ण जानकारी दी जाएगी कि विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, आप दोनों के बीच अनबन रहेगी या प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। अक्सर आपने देखा होगा आसपास के कपल्स हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो ऐसा तब होता है जब कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगता है। तो आप इन दोषों का निवारण कराएं और केपी कीवानी से भी करा सकते हैं, अन्यथा अपने स्थानीय पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर यह जानकारी ज्ञात कर ले। तो कल तक के लिए इजाजत दी। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहे गुरु।